नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 1 11 और मैं हूं आपके साथ सानिया। झारखंड में चुनाव की घोषणा किए जाने के बाद प्रदेश भर में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आज इस आशय की जानकारी दी गई। वहीं आपको बता दें, चुनाव आचार संहिता के पालन के लिए कोषांग का गठन कर दिया गया है। साथ ही बता दें कि जिले में कुल 4 विधानसभा का चुनाव जो कि 2 चरणों में होगा, और तीसरे चरण में गोमिया बेरमो तथा चौथे चरण में बोकारो एवं चंदन कीरिया सहित डुमरी के कुछ भाग में होगा। वही प्रशासन की तरफ से इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। वही चुनाव को देखते हुए चारों विधानसभा क्षेत्र के 4 अलग अलग निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए हैं, जहां चारों विधानसभा क्षेत्र में जो कुल 1756 बूथों में 14,57,397 वोटर मतों का प्रयोग करेंगे, वही सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिया गया है। साथ ही सड़कों पर वाहन जांच भी शुरू कर दी गई है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर बॉर्डर एरिया को भी सील कर दिया गया है। ऑफिशियल्स का कंडक्ट कैसा है, इनफैक्ट उनके नीचे आरओज हैं, पूरी टीम है। जिला निर्वाचन कार्यालय, क्योंकि आपको पता होगा कि सब लोग ऑन डेपुटेशन इलेक्शन कमीशन के लिए काम करते हैं जब चुनाव की घोषणा होती है, और आई एम द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिले के भीतर निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में हम लोग निर्वाचन कार्य को संपन्न कराएं। प्रक्रियात्मक चीज़ों में भी पूरा प्रोसीजरल फेयरनेस भी रखा जाए, और इसके लिए हमारी पहली नज़र जो होगी हमारी टीम के ऊपर भी होगी। निश्चित तौर से कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि इनके ऊपर भी, जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी नज़र रखें, उनसे सुनिश्चित कराएं कि ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष तरीके से और बहुत सैद्धांतिक रूप से चुनाव निष्पादित कराया जाए। उसमें किसी तरह की कोई कमी आती है तो निश्चित तौर से वो संबंधित पदाधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, वो इससे परे नहीं है। आई एम द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑब्जर्वर, अगर आप ऐसा समझे तो मैं आई एम हेयर टू ऑब्जर्व, चूंकि डीओ का रोल डायरेक्टली है नहीं इसमें। विधानसभा चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर्स की भूमिका रहती है, आप जानते हैं, तो मैं बतौर डीओ डिस्ट्रिक्ट के भीतर एक ऑब्जर्वर हूँ एक तरह से। तो बेसिकली मैं इनके बिहार पे कम और कमीशन के बिहार पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, आप ऐसे समझें। और दूसरा जो संदेश है वो पॉलिटिकल पार्टीज और संभावित कैंडिडेट को लेकर है कि कृपया करके आदर्श आचार संहिता की एक एक कंडिकाएँ, एक एक लाइन, एक एक अक्षर ध्यानपूर्वक पढ़ लें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको क्लियर कर लें, कन्फ्यूज़न हो तो रादर वो काम नहीं करें, अन्यथा जिला निर्वाचन कार्यालय बेहद ही सख्ती से निपटेगा और ये आपको तुरंत दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने छठ के संदर्भ में भी एक अपील की है, उस पर भी लोग नज़र रखें, और किसी भी आदर्श आचार संहिता को वायलेट करने की कोशिश किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं करें। और 72 घंटे के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई फ्लैग, कोई पोस्टर, कोई बैनर, कोई निशान किसी जगह पे दिखाई पड़ता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और साथ साथ जो नॉन अवेलेबल वारंट जितनी भी पेंडिंग है जिला पे, उसी के ऊपर भी लगातार पिछले एक महीना से कार्रवाई प्रारंभ किया गया है। उसी में विगत एक महीना में 450 NBW का डिस्पोजल किया है, और जितनी भी पेंडिंग NBW है विद इन वीक हम लोग निष्पादन करने के लिए सभी थाना प्रभारियों का निर्देश दिया गया है। साथ साथ जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर और इंटर स्टेट बॉर्डर का भी चिन्हित कर लिया, जहाँ पे चेकना का लगा के जो FST और SST टीम के द्वारा चेकिंग करने के लिए भी जहाँ आइडेंटिफाई हो गया है वो भी कार्यरत हो जाएगा जल्दी से जल्दी। और ये इसी के साथ साथ जो एंटी नक्सल ऑपरेशन भी विगत महीना से चल रहा है, जिसमें खास करके जो नक्सल प्रभावित इलाका में जितनी भी रूट है वहाँ पे रूट सैनिटाइजेशन, जो पोलिंग पार्टी पोलिस पर्सनल जाते हैं मतदान केंद्र में, उसी एरिया का भी हम लोग सैनिटाइज किया है, और एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज भी विभिन्न इलाकों में CRPF और जिला पुलिस और स्टेट आर्म्ड पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो ये एंटी नक्सल ऑपरेशन और बाकी एंटी क्राइम चेकिंग, ये फ्री एंड फेयर पोल कंडक्ट करने के लिए मदद करेगा। इसी के साथ साथ हम लोग समय समय पर तो आपको भी ये जो चेकिंग के द्वारा क्या क्या मिला है इसी के बारे में भी सर उसमें डेली प्रेस ब्रीफ में दे। तो अभी फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 1 11। नमस्कार। न्यूज 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।